नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ करीब 2 माह पूर्व दहेज हत्या में वांछी चल रही सास की गिरफ्तारी न होने से नाराज विवाहिता के मायके वालों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपित महिला को गिरफ्तार करने की मांग की। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के उत्तर गांव की रहने वाले मोहित चौहान का आरोप है कि उनकी भतीजी की शादी वर्ष 2015 में मुबारकपुर के आदम गाँव निवासी सुरेंद्र चौहान से हुई थी। दहेज की मांग को लेकर सुरेंद्र और उसके परिजन लगातार उसका उत्पीड़न कर रहे थे। आरोप है कि अक्टूबर 2020 में उसकी दहेज न देने के कारण हत्या कर दी गई। इस घटना में स्थानीय थाने में पति सुरेंद्र, ससुर लौटू और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सास अभी फरार है। पिछले 2 माह से पुलिस उसका पता नहीं लगा पा रही है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मांग किया है कि आरोपी सास को भी जल्द गिरफ्तार किया जाए। मेरी भतीजी की शादी थाना मुबारकपुर आदमपुर गाँव में हुई थी 3/5/2015 को, जो 13/10 को हमारी भतीजी को सुभेंद्र चौहान, लौटू चौहान, नीलम चौहान ने मार डाला। क्यों मार डाला, कारण क्या था? दहेज प्रथा का, मतलब दहेज मांग रहे थे बार बार लोग। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद जो है पुलिस गिरफ्तार दो लोगों की, नीलम चौहान का अभी तक नहीं गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, पुलिस क्या करे इस पूरे मामले पर? पुलिस कह रही है कि जो है कि आप लोकेशन दीजिए तब पकड़ा जाएगा। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।